पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाना भूलें ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप पर पहुंचे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, मैंड्रिप की जो आवर साड़ी है उसकी उपयोगिता बताएंगे। आज हम जानने वाले हैं यूटिलिटी ऑफ मैंड्रिप पीरियड टेबल, कि मैंड्रिप की आवर साड़ी की जो उपयोगिता है वह क्या है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडेलिक के आवर सारणी का उपयोग, यूटिलिटी ऑफ मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मेंडेलिक के आवर सारणी का जो यूटिलिटी है वह क्या है। तो सबसे पहले वो क्या था कि उसमें सबसे पहले वो जो नियम बताए थे कि उनके जो पीरियोडिक टेबल बना है उसका पहला हमारा उपयोगिता क्या है कि तत्वों के सामान्य अध्ययन में सुविधा। क्या कह रहा है, तत्वों के सामान्य अध्ययन में सुविधा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि तत्वों का जो स्टडी है, इलिमेंट का जो स्टडी है उसको करने में हमको सहूलियत होती है, स्टडी करने में हमको सहूलियत होती है। इसका मतलब यह है कि यह मेंडेलिक की जो आवर सारणी थी उसमें तत्वों को वर्ग में, उपवर्ग में, अलग अलग वर्ग उपवर्ग में सजा कर रखा गया। तो अगर हम उसके पीरियोडिक टेबल के किसी एक एलिमेंट का, किसी एक वर्ग का एलिमेंट का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद से उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको स्टडी करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी उनका सेम आएगा। यानी कि तत्वों के अध्ययन में, सामान्य अध्ययन में सुविधा का मतलब यही हुआ कि उनके मेंडेलिक के जो आवर सारणी बनाया गया था, जो बनाए थे उन्होंने, तो उसमें क्या था कि तत्वों को अलग अलग वर्ग में, अलग अलग उपवर्गों में सजाकर रखा गया था, वो भी परमाणु त्योहार के हिसाब से। तो अगर उसी किसी एक ग्रुप का, किसी एक वर्ग का, किसी एक समूह का अगर एलिमेंट का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसके आधार पर और उसके एलिमेंट जो होंगे उस ग्रुप के अंदर, जो प्रॉपर्टी उस एलिमेंट का होगा उस ग्रुप के अंदर, यानी उसी ग्रुप का, उसी एलिमेंट का जितने भी प्रॉपर्टी होगा वह क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इनके स्टडी करने में क्या मिली, सुविधा मिली। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे उनके समय जो डिस्कवर नहीं हुआ था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, और इस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को फ्यूचर में अगर डिस्कवर्ड होता है तो उस एलिमेंटों के लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्पेस छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्पेस छोड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम को और सिलिकन, एल्युमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ता और सिलिकन के नीचे स्पेस छोड़ता, ताकि उनकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम और सिलिकन का जैसा ही प्रॉपर्टी अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसके प्रॉपर्टी के गुणधर्म के आधार समान होंगे। उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक स्पेस छोड़ दिया था, एल्युमिनियम के नीचे छोड़ दिया था और सिलिकन के नीचे छोड़ दिया था। तो भविष्य में उसमें उन तत्वों की खोज नहीं हो चुकी थी, तो उन तत्वों के इनके पीरियोडिक टेबल के बाद दो एलिमेंट की खोज हुई, एक का नाम है गैलियम और एक का नाम है सिलिकन। तो उन्होंने अपने भाषा में उसके एलिमेंटों का नाम दिया, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकन। यानी एका एल्युमिनियम आपका क्या था, गैलियम था, और एका सिलिकन क्या था, आपका जर्मेनियम था, यानी गैलियम और जर्मेनियम दो एलिमेंट की खोज हुई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था उनके लिए क्या क्या किया, उन्होंने अलग स्पेस छोड़ दिया था, एल्युमिनियम के लिए छोड़ा था और सिलिकन के लिए छोड़ा था। उनके प्रॉपर्टी के आधार पर मिलते जुलते अगर ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलते जुलते अगर एलिमेंट की खोज होती है तो उन्होंने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने नाम दिया एका एल्युमिनियम और एका सिलिकन। दोनों के एटॉमिक मास और एल्युमिनियम का और गैलियम का और सिलिकन का और किसका, जर्मेनियम का प्रॉपर्टी सेम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेस छोड़ दिया था और भविष्य में ऐसे एलिमेंट की खोज हुई जिनका एका एल्युमिनियम का नाम दिया गया गैलियम और एका सिलिकन का नाम दिया जर्मेनियम। तो उन्होंने भविष्य में तत्वों की भविष्यवाणी की, यानी कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे तो उनको डिस्कवर होने के बाद स्पेस जो छोड़ा था उसमें उनको पुट किए जाएंगे। आपका तीसरा है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण। उन्होंने किसी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो उसका उन्होंने डिटरमिनेशन किया। उन्होंने डिटरमिनेशन क्या किया कि अगर एलिमेंटों का अगर एटॉमिक मास आपको पता करना है तो उन्होंने क्या क्या डिटरमिनेशन किया, कैसे
तो एक फॉर्मूला उन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी भार इंटू संजकता, तुल्यांकी भार इंटू संजकता। उन्होंने किसी इलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान, किसी इलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि उसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट या समतुल्य भार जिसे कहेंगे। तो तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट या समतुल्य भार और उसके धनेंसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एटॉमिक मास निकल आता है। लेकिन उसमें जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको बेरिलियम का, बेरिलियम का जो है तुल्यांकी भार ई बी के, ई बी एक मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी ए, बी इक्विवेलेंट वेट, बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट उन्होंने निकाल कर पहले बता माना गया था कि बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट आपका 4.5 होता है, कितना होता है 4.5, और यहाँ पर इसका बैलेंसी अलावा माना जा रहा है कि 3 माना गया, बैलेंसी इसका जो है 4.5 पर इसका क्या माना गया था, 3 माना गया था। तो इसके हिसाब से अगर इसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो कितना आएगा, 13.5 पे आएगा, 13.5 आएगा। तो अगर बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट आपका 4.5 और इसका वैलेंसी अगर 3 माना गया था तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना आएगा, 13.5। तो 13.5 जब आ गया तो यह किसके बीच चल रहा है, यह आपका कार्बन जो है, कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास। तो इसके अनुसार अगर देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो रहा है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 हो रहा है। तो इसका स्थान जो है बेरिलियम का स्थान किसके बीच होना चाहिए, इन दोनों के बीच होना चाहिए। अगर इसके अनुसार से चला जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच किसका स्थान होना चाहिए, बेरिलियम का, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका पीरियोडिक टेबल होता, क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के नहीं एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास के संदर्भ में था। तो इसका स्थान इसके साथ यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें सुधार किया, क्या किया, उन्होंने बेरिलियम का, बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट जो है उन्होंने मारा, इक्विवेलेंट वेट आपका 4.5 मारा और उन्होंने वैलेंसी बेरिलियम का यहाँ पर क्यों नहीं थे, 3 नहीं चुका, 2 नहीं दिया और यहाँ बता दिया इनका 9 होता है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि एलिमेंटों का क्या किया, इक्विवेलेंट वेट के आधार पर और इसके वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, एटॉमिक मास आता है। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट इसके आधार पर मैं इक्विवेलेंट वेट का एक आपको वीडियो अलग से दूंगा, जो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, जो आपको बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT मेंस एडवांस AIEEE ऐसे एग्जाम में इसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो यह इक्विवेलेंट वेट के आधार पर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट वेट के आधार पर एक वीडियो में आपको अलग से दे दूंगा, अभी आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसको तैयार कर लीजिए। तो अगर बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 होने वाला और उसका वैलेंसी को 3 नंबर का किया, 2 किया और यहाँ पर क्या आ गया, 9 हो गया, यानी कि इससे पहले जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास, उन्होंने क्या किया, डिटरमिनेशन किया कि किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो उन्होंने डिटरमिनेशन कर दिया और निर्धारण किया कि इसका इक्विवेलेंट वेट और इसके वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास आएगा। चौथा आपका है परमाणु द्रव्यमान में संशोधन, परमाणु द्रव्यमान में संशोधन। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंटों के एटॉमिक मास में क्या किया, करेक्शन किया, एलिमेंटों का एटॉमिक मास में क्या किया उन्होंने, करेक्शन किया, क्या किया, करेक्शन किया। तो यहां पर करेक्शन में क्या किया कि एलिमेंटों का जो भी एटॉमिक मास था उन्होंने करेक्शन में क्या किया, यही करेक्शन किया, करेक्शन क्या किया, यही करेक्शन किया, क्योंकि यहां पर थर्ड में जो आपको बताया कि परमाणु द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, वैलेंसी,
या थर्ड आपका था कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो आप उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट और उस एलिमेंट का वैलेंस निकाल के मल्टीप्लाई करने क्या निकल रहा है, एटॉमिक मास निकल रहा है। या उन्होंने थर्ड रूल में बताया था, या उन्होंने थर्ड जो यूटिलिटियम की जो तीसरी आप उनकी यूटिलिटी है यह बता रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट और इसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो यह हो गया आपकी यूटिलिटी थर्ड। अब यहां बताता है एटॉमिक मास में करेक्शन किया कि करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के एटॉमिक मास में क्या करेक्शन किया, इसका मतलब क्या हुआ, वो परमाणु द्रव्यमान में संशोधन किया। संशोधन क्या किया, यही अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जो मैंने अभी बताया इक्विवेलेंट वेट यहां पर 4.5 था और इसका वैलेंस 3 बना यहां पर 13 आया और यहां पर इक्विवेलेंट वेट अगर निकाला है तो इक्विवेलेंट वेट इनका क्या था, इक्विवेलेंट वेट यहां पर इनका 4.5 था, 4.5 और यहां पर मास निकालेंगे हम तो 4.5 × 3 या 13.5 आया था और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट ऑफ बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट कितना था 4.5 था तो 4.5 और इसका वैलेंसी यहाँ पर कितना बना 2 तो यहाँ पर 4 बना। अब यहाँ पर हम मास निकालते हैं तो 4.5 × 2 कितना आ गया 9। तो उन्होंने करेक्शन ये किया कि अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट किसका बेरिलियम का 4.5 है ठीक है और वैलेंसी 3 का यूज किया गया था तो वैलेंसी 3 का यूज किया जाता है तो 13.5 पर आया तो इनका स्पेस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आना चाहिए जो इनके जो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं वह क्या अपन गलत हो सकता। तो उन्होंने क्या किया बेरिलियम के इक्विवेलेंट वेट को तुल्यांकी भार को 4.5 पड़ा और वैलेंसी को क्या यूज किया 2 यूज किया वैलेंसी को 2 यूज किया और यहां पर आ गया 9 यानी कि उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों के जो एटॉमिक मास था उसको क्या किया करेक्शन किया मतलब सुधार किया इसके आधार पर एटॉमिक मास इतना आ रहा है और यहाँ पर वैलेंसी चेंज हुआ इसका एटॉमिक मास का डायरेक्ट यानी कि यह करेक्ट हुआ यह क्या हुआ करेक्ट हुआ गलत हुआ। तो हमने आ जाना कि मेंडेलीव के जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी है उसकी यूटिलिटी क्या है तो हमने पढ़ा कि आज मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या उपयोगिता यूटिलिटी ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल चार तरह से पाए गए। एक हुआ कि तत्वों के स्वभाव में अध्ययन में सुविधा, दूसरा क्या हुआ अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी, तीसरा क्या हुआ तत्वों की परमाणु द्रव्यमान निर्धारण और चौथा क्या हुआ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में क्या किया संशोधन किया। यह हो गया कि किसी भी एलिमेंट को स्टडी करने में आपको क्या भी इजी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। यह हो गया कि कुछ ऐसे एलिमेंटों की सूची खाली रखी थी जिसमें भविष्य में फ्यूचर में किसी एलिमेंट का क्या हो डिस्कवर हो उसको उसको स्थान दे दिया जा सके। थर्ड जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निर्धारण, उन्होंने क्या क्या एलिमेंट का एटॉमिक मास का डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं उन्होंने बताया था परमाणु द्रव्यमान तुल्यांकी भार × वैलेंसी इस फॉर्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं। चौथा क्या था कि कुछ एलिमेंटों के एटॉमिक मास में क्या क्या करेक्शन किया, कुछ एलिमेंटों के एटॉमिक मास में क्या करेक्शन किया यानी संशोधन किया और संशोधन करने के संदर्भ में उन्होंने बेरिलियम को एग्जांपल लिया और बेरिलियम के एग्जांपल लेते हैं तो 4.5 और वैलेंसी 3 का यूज करते हैं तो यहां पर 13.5 आता है जो अगर यह कंडीशन अगर मानते हैं इसका स्पेस कहां पर है बेरिलियम का जो पोजीशन होगा वह कहां पर रहेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पड़ेगा यानी कि यह क्रश हो जाएगा क्योंकि यहां पर उनका जो मॉडर्न जो उनका टेबल था पीरियडिक टेबल किस चीज का मेंडेलीव का जो पीरियडिक टेबल था वह किस पर था एटॉमिक मास पर बेसिस था एटॉमिक मास पर बेसिस था तो एटॉमिक मास पर जब बेसिस था तो यहां पर उनका नियम क्या रहेगा क्रॉस हो जाएगा इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने इसमें करेक्शन किया सुधार किया। तो करेक्शन क्या किया कि बेरिलियम का सही इक्विवेलेंट वेट क्या है 4.5 और उन्होंने वैलेंसी किसका चीज किया 2 का यूज किया जो 9 हो गया और ये इसके आधार पर या बेरिलियम कार्बन हाइड्रोजन से बैक जाएगा यानी कि इनका एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह का उसने क्या किया सही हो गया। तो ये हमारा हो गया मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है उनके डिमेरिट्स क्या है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी का डिमेरिट्स क्या है, दोष क्या है
उन्होंने जो आवर्तसारणी मेंडेली साहब ने जो आवर्तसारणी बनाए थे उनमें कौन कौन सी खामियां थी, कौन कौन से दोष थे, कौन कौन से डिमेरिट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तब तक हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।